हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर फ्रॉम संस्कृति गुरुकुलम स्कूल हावर। स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप चैप्टर 5, माई स्वीट होम। तो चैप्टर 5 हम रीड कर चुके थे, ओके, तो आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा। आज हम करेंगे इसकी कंप्रीहेंशन स्किल और वर्ड पावर, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, आप अच्छे से समझेंगे, उसके बाद अपनी बुक में फिल करेंगे और उसके बाद आपका होमवर्क है कि आप इसे लर्न करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं कंप्रीहेंशन स्किल। फर्स्ट आपको दिया है टिक द करेक्ट आंसर, जो आंसर करेक्ट है उसे टिक करना है, ओके। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, इन द फॉरेस्ट देयर वॉज अ बिग डैश ट्री। कौन सा ट्री था फॉरेस्ट में बिग, बताइए। ए बैनियन का, बी नीम का, सी पीपल का। तो बैनियन का था ना, तो इसका आंसर होगा ए बैनियन, ओके। सेकंड है, द ट्री वाज द होम ऑफ, ट्री किसका होम था, ए बर्ड एनिमल्स का, बी इंसेक्ट का, सी ऑल ऑफ देम, सभी का। तो सी ऑल ऑफ देम, ओके। आगे है थर्ड, वुड कटर वॉन्टेड टू कट डाउन द, वुड कटर क्या काटना चाहता था, ए बैम्बू, बी ट्री, सी बर्ड्स, तो बी ट्री, ओके। तो आंसर क्या है इसका, बी ट्री। फोर्थ है, फर्स्ट ऑफ ऑल केम आउट द, सबसे पहले कौन आया था, ए फोर माइस, बी बेटल, सी मंकी। तो कौन आया था, ए फोर माइस, चार चूहे बाहर आए थे ना सबसे पहले, यस। फिफ्थ पे है, मंकीज थ्रू डैश एट द वुड कटर, मंकीज ने वुड कटर के ऊपर क्या फेंका था, ए फ्रूट, बी स्टोन, सी बॉल। तो क्या फेंका था, बी स्टोन्स, पत्थर फेंके थे, ओके। तो आंसर क्या है इसका, बी स्टोन्स, ओके। आगे आपको दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं जो वर्ड ऊपर दिए हैं उनकी हेल्प से, ओके। तो फर्स्ट दिया है इट वॉज द बिगेस्ट ट्री इन द, सब बिगेस्ट ट्री कहाँ पे था, फॉरेस्ट पे, एफ ओ आर ई एस टी, फॉरेस्ट, ओके। सेकेंड है, अ मैन केम अलोन विथ अ बिग डैश इन हिज हैंड, मेन आया था उसके हाथ में क्या था, बिग एक्स, ए एस ए एक्स ई एक्स, ओके। थर्ड पे है, वी लिव अंडर इट रूट्स, आर डबल ओ टी एस रूट्स, ओके। फोर्थ पे है, वी लिव इन साइड द ब्रक्स, बी आर बी ए आर के एस ब्रक्स, ओके। फिफ्थ पे है, दिस मेड द डैश वेरी एंग्री, तो एनिमल क्या हो गए थे, एंग्री हो गए थे, एनिमल हो गए थे, तो ए एन आई एम ए एल एस एनिमल्स, ओके। नेक्स्ट आपको दिए हैं मैचिंग, मैच द फॉलोइंग, आपको ए और बी टू कॉलम दिए हैं तो मैच करना है। ए के फर्स्ट पे लिखा बिगेस्ट, वो जाएगा बी के सी पे ट्री, ए के सेकंड पे लिखा है बिग, वो जाएगा बी के डी पे एक्स, ए के थर्ड पे लिखा है लॉट ऑफ, ए के ई पे मनी, ए के फोर्थ पे लिखा है लिटिल, वो जाएगा बी के ए पे माइस, ए के फिफ्थ पे लिखा है स्वान ऑफ, वो जाएगा बी के बी पे बीज, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आया है हमारा वर्ड पावर, तो हम वर्ड पावर करेंगे, ओके। तो ए को हम स्किप करते हुए बी को करते हैं, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड्स, ये जो आपको वर्ड दिया है इनका प्लूरल फॉर्म लिखना है। प्लूरल आपको पता है ना, जो चीज़ एक से ज़्यादा होती है वो प्लूरल होते हैं, ओके। तो फर्स्ट पे लिखा है ट्री, तो हो जाएगा ट्रीज, टी आर डबल ई एस ट्रीज। सेकेंड पे लिखा है फॉरेस्ट, तो हो जाएगा वो फॉरेस्ट, एफ ओ आर ई एस टी एस फॉरेस्ट। थर्ड पे लिखा है होम, तो होम्स हो जाएगा, एच ओ एम ई एस होम्स। फोर्थ पे लिखा है बर्ड, तो बी आई आर डी एस बर्ड्स। फिफ्थ पे लिखा है एनिमल, तो ए एन आई एम ए एल एस एनिमल्स। सिक्स पे लिखा है इंसेक्ट, तो आई एन एस ई सी टी एस इंसेक्ट। सेवन पे लिखा है मंकी, तो एम ओ एन के ई वाई एस मंकीज। एट पे लिखा है माउस, तो माउस का प्लूरल क्या होता है आपको पता होगा, यस बताइए, यस माइस, एम आई सी ई माइस। नाइन पे लिखा है बीटल, तो बीटल्स, बी डबल ई टी एल ई एस बीटल्स। एंड टेन पे लिखा है मॉथ, तो एम ओ टी एच एस मॉथ्स, ओके। नेक्स्ट आपको दिया है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंस, इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट है बिग, तो योर डॉग इज वेरी बिग। सेकेंड है वुड कटर, द वुड कटर फेल्स अ ट्री विद एन एक्स। थर्ड है एक्स, अ मैन केम अलोन विद अ बिग एक्स, ओके। फोर्थ पे है इंसेक्ट, तो आई एम इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। फिफ्थ पे है फॉरेस्ट, तो द बॉय लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट, ओके। तो ऐसे आपको सेंटेंस बनानी है। तो आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर 5 माई स्वीट होम की कंप्रीहेंशन स्किल ऑफ वर्ड पावर, ओके। तो आपको अब अपनी बुक में अच्छी राइटिंग में फिल करेंगे, उसके बाद आपका होमवर्क है कि आप इसे लर्न करेंगे, ओके। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।